हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। इंटर मिलन और वर्सेस एम्पोली के बीच मैच हो रहा है। मतलब बात करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, इंटर मिलन और एम्पोली, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? भाई इंटर मिलन ही जीतेगी, क्योंकि इंटर मिलन ने इनको कंटिन्यूसली हरा रही है 3-4 सालों से, एक भी मैच एम्पोली इनसे नहीं जीत पाई। और बात करें गोलकीपर की, देन यहाँ पर मेरे को मजबूरी में हैंडनोविक लेना पड़ा। इतना अच्छा मैच, लेकिन क्रेडिट इशू ना बेड़ा कर देता है पूरे मैच का। मतलब यहाँ पर विकारियों को मैंने लेना था, क्योंकि विकारियों की फॉर्म अच्छी है, विकारियो ऑपोजिट टीम का, मैं हमेशा ऑपोजिट टीम का गोल कीपर लेता हूँ, लेकिन आज मेरी मजबूरी में मेरे को यहाँ पे हैंडनोविक लेना पड़ा। ये मेरे को बेकार चीज़ लगी, हैंडनोविक वैसे मैं लेना नहीं चाहता था, मेरी मजबूरी है गाइज। एंड आगे से अगर बात करूं तो यहाँ पे लूंगा दिमार्को को। दिमार्को और डी डम्फ्राइज दोनों मिडफील्डर हैं। अपनी हर वीडियो में जब भी इंटर मिलन का मैच होता है, ये बात मैं बोलता हूँ कि ये दोनों मिडफील्डर हैं। आप लोगों को समझते नहीं हो और फिर मुझे बोलते हो कि वो भाई हमने लिया नहीं था, गोल कर गया। तो भाई मैं तो कहता हूँ इनको कभी छोड़ा ही मत करो, भले ही आपको बेशक बेस्टोनी छोड़ना पड़ जाए, स्क्रीनियर छोड़ना पड़ जाए, इनको छोड़ दो, लेकिन डम्फ्राइज और दिमार्को को मत छोड़ा करो। दिमार्को कब असिस्ट कर जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि दिमार्को का असिस्ट रेशियो अच्छा है, और डम्फ्राइज कब गोल कर जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि डी डम्फ्राइज एक मिडफील्डर और कभी भी गोल कर सकता है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी टीम को, बड़ी से बड़ी टीम को, छोटी से छोटी टीम को। और एम स्क्रीनियर की बात करें, स्क्रीनियर को आप अभी लीजिए, क्योंकि स्क्रीनियर एक मेन प्लेयर है। और आगे से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, यहां पर है रोमग्नोली। रोमग्नोली को पिछले मैच में स्पेजिया के खिलाफ क्लीन शीट के पॉइंट्स मिल गए थे अच्छे खासे, लेकिन फिर भी इसका ड्रीम टीम में नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्लेयर बिल्कुल भी चला नहीं हुआ, और ज्यादातर मैं इस प्लेयर के बारे में जानता भी नहीं हूं, तो मेरी मजबूरी है इस प्लेयर को लेना। बाकी क्रेडिट बचाने हैं तो आप यहाँ से मार्चीजा को ट्राई कर सकते हैं अगर खेला, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई, यहाँ पे कहीं ऐसे प्लेयर हैं जो अचानक वापसी भी कर लेते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ इवान पेरिशिक की, यहाँ पर है इवान पेरिशिक। अब सबसे बड़ा रिस्क मेरी आज की टीम का है कि मैंने हैकर नहीं लिया। अब मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा ये रिस्क लेके उतरा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने बड़े खुले दिल से छोड़ दिया। भाई मैं इस प्लेयर को ज़रूर लेना चाहता था, मैं आपको कैसे बताऊँ अपने दिल की बात अब, क्योंकि हैकन तो मतलब छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। अब क्या करें, क्रेडिट इशू ने नाक में दम कर रखा है, और यहाँ पर इवान पेरिशिक को हम छोड़ नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं इवान को छोड़ के हैकन को लूँ, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ये चीज़ में। एंड बजरामी की बात करें, नैदिम बजरामी एम्पोली की पेनल्टी लेता है, और एम्पोली की तरफ से थोड़े बहुत जो गोल्स भी किए हैं वो बजरामी और नीचे से दूसरा प्लेयर जो कि आपके सामने ज़ुर्कवॉस्की, इन्होंने मिलके किए हैं। ज़ुर्कवॉस्की एंड बजरामी की आपस में बॉन्डिंग खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा गेम को अच्छी तरह देख के खेलते हैं, समझदार प्लेयर्स हैं। एंड आगे से बात करें एडिन की, एडिन डिज़ैको, एडिन डिज़ैको ने 2-3 बार से कोई भी गोल नहीं किया, सो मैं डिज़ैको के ग्रेट कमबैक की मतलब वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कब वापसी करे। और एल मार्टिनेज़ मेरा ऑल टाइम कैप्टन, भले फ्लॉप हो जो मर्जी हो, मेरा कैप्टन रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है इसने मेरे को धोखा नहीं देगा। एंड आगे से बात करें पिना मोंटी की, एंट्री पिना मोंटी को ले रहा हूँ। कई लोग पिना मोंटी की जगह ऊपर से डिफेंडर लेंगे यहाँ से, जिसका आपके सामने, जिसका नाम है पीटर, पर पीटर इंजर्ड है नहीं खेलेगा, इसलिए यहाँ पर मैं पिना मोंटी को ले रहा हूँ। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मार्टिनेज, वाइस कैप्टन या आप एडिन को रख लो, रिस्क है तो इवान पेरिशिक को, मैं इवान के साथ जा रहा हूँ, ये मेरी टीम। बाकी डी डम्फ्राइज इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।